दोस्तों अगर आप भी बिल्कुल न्यू यूट्यूबर हो तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको थंबनेल बनाना नहीं आता ना तो दोस्तों आप व्यूज तो भूल जाओ, आपका वीडियो वायरल नहीं होने वाला, क्योंकि आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग, यहाँ तक कि बड़े बड़े यूट्यूबर भी दोस्तों अपने थंबनेल की वजह से अपनी वीडियो को वायरल करवा पाते हैं। आप जो थंबनेल बनाते हो एक नॉर्मल थंबनेल है, ठीक है, उसमें आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। वीडियो वायरल करना है, व्यूज लेकर आना है, ज्यादा व्यू चाहिए तो थंबनेल सीखना पड़ेगा आपको कि थंबनेल कैसे बनाते हैं, क्वालिटी वाला थंबनेल बनाना है। आपके कैटेगरी में दोस्तों जो भी बड़े यूट्यूबर होंगे ना, आप जाकर उनका थंबनेल देखना दोस्तों, उनके थंबनेल पे एक से एक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि शायद आपको पता भी नहीं होगा कि ये इफेक्ट कहां से लोग डाउनलोड करते हैं, तो ये भी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। प्लस दोस्तों आप जो पिक्सल लाइफ से थंबनेल बना के सेव करते हो ना अल्ट्रा क्वालिटी में, सोचते सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है, नहीं दोस्तों, उससे भी ज्यादा क्वालिटी में बड़े यूट्यूबर सेव करते हैं, और जितना हाई क्वालिटी में सेव करेंगे दोस्तों उतने बड़े डिस्प्ले पर भी अगर आपका वीडियो शो किया ना तो आपका थंबनेल फटेगा नहीं। आप खुद दोस्तों आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, जो भी वीडियो दोस्तों आपको ज्यादा व्यूज दिखेगा ना आप उसका थंबनेल देखना, उसका थंबनेल ज्यादा अच्छा होगा तभी उस पर ज्यादा व्यूज मिला है, और उस थंबनेल पे काफी ढेर सारे इफेक्ट आदमी लगाते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको पता नहीं है कि यार इस तरह का थंबनेल कैसे बनता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं यार, इस वीडियो का पूरा कंप्लीट देखो, सब कुछ सिखाने वाला हूं। आप अपने मोबाइल फोन से ही घर बैठे फ्री में बना सकते हो ये थंबनेल, ठीक है, सब कुछ ट्यूटोरियल में बताने वाला हूं। तो यार इस वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए आए हो यार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लेना, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है यार एक लाइक तो कर ही देना। आइए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है पिक्सल लैब, ठीक है, तो पिक्सल लैब को डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि इसी में हम थंबनेल बनाएंगे। प्लस दोस्तों आपको एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करना है क्योंकि दोस्तों इसी एप्लीकेशन से आप काफ़ी ढेर सारे इफेक्ट, इमोजीज या फिर कोई भी गूगल से अगर आपको फोटो डाउनलोड करना है तो आप इसी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। इसका नाम है दोस्तों यहाँ पे इमेज सर्च मैन, ठीक है, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप जो भी गूगल से डाउनलोड करना चाहते हो वो सब चीज़ जाके दोस्तों आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जैसे सर्च करोगे आपको सब कुछ यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक है। तो अभी हम कुछ डाउनलोड नहीं करते हैं, जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ता रहेगा हम डाउनलोड करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन, ठीक, जैसे इसको ओपन करोगे कुछ इस टाइप का आपको ये सामने शो करेगा, ठीक है, आप देख सकते हो ये स्क्वायर टाइप कैसे बना हुआ है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको इसका जो इमेज है ना, इमेज का जो साइज है वो सेलेक्ट करना पड़ता है। आप में से बहुत न्यू यूट्यूबर होंगे, आपको पता नहीं होगा कि आपकी थंबनेल का साइज क्या होता है, और आप इसी तरह का थंबनेल बना लेते होगे इसी के अंदर। अगर आप इसके अंदर कोई थंबनेल बनाओगे ना तो आप अपने वीडियो पे इसको लगा नहीं पाओगे, लगेगा ही नहीं, ठीक। तो सबसे पहले आपको साइज सेलेक्ट करना है। साइज कैसे सेलेक्ट करोगे, सबसे पहले यहाँ जो थ्री लाइन्स है ना इस पर आप क्लिक करिएगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पर लिखा हुआ आएगा इमेज साइज, इमेज साइज पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक। जैसे क्लिक कर दो दोस्तों फिर यहाँ पे लिखा रहेगा कस्टम, और यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर थंबनेल बनाना सीख गए ना यकीन मानो आप खुद अपने वीडियो को वायरल कर लोगे, थंबनेल के दम पे कर लोगे। सारा इफेक्ट बताऊंगा किस तरीके से एक अच्छा थंबनेल आप बना सकते हो, ठीक। तो इस वाले पे क्लिक करना, यहाँ पर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है यूट्यूब थंबनेल, ध्यान से देखो यूट्यूब थंबनेल, अब इसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे सेलेक्ट करोगे खुद ये लिखा हुआ आगे 16:9, ओके पे आप क्लिक कर दीजिए, देखिए हमने क्लिक कर दिया। अब ये जो साइज है ना, ये साइज है आपके थंबनेल का, ये आपका ये जो साइज में अगर आप कुछ भी बनाते हो यहाँ पर, कोई भी थंबनेल यहाँ पे बनाओगे तो इसको आप लगा सकते हो अपने वीडियो के ऊपर, ठीक है, पहले वाला साइज आप नहीं लगा सकते थे। तो सबसे पहले देखो दोस्तों ये लिखा है न्यू टेक्स्ट, इसको पहले डिलीट करते हैं, डिलीट करने के लिए इसको सेलेक्ट कर लिए, यहाँ लिखा है डिलीट, बस इस पर क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, डिलीट हो गया, ठीक। अब दोस्तों सबसे पहला काम क्या होता है, हमें अपने थंबनेल का बैकग्राउंड बनाना है, एक अच्छे कलर का बैकग्राउंड बनाते हैं, ठीक है। जो ये पीछे का पूरा ये दे रखा है ना, इसका एक बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। देखो इसका कलर चेंज कैसे होता है, ध्यान से देखना। नीचे दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी ढेर सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, यहीं पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला, नीचे साइड में देखना ये वाला डबल वाला, ठीक है, इस पर क्लिक करना, फिर यहाँ ऑप्शन आएगा दोस्तों, देखो लिखा है कलर, कलर पर आप क्लिक करो, फिर दोस्तों थोड़ा सा ये डाउन जाना, यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है एक जगह कलर और एक है ग्रेडियंट, ध्यान से समझना यार ये सब है क्या। कलर का मतलब है दोस्तों अगर आप कलर सेलेक्ट करते हो, ठीक, और यहाँ लिखा है प्लस, अगर आप प्लस पे क्लिक कर दिए तो काफ़ी ढेर सारे दोस्तों आपको यहाँ पे कलर शो कर रहे हैं, ये देख सकते हो, जो भी कलर भी अगर आप यहाँ पे हाथ रखते हो, देखो मान लो हमने यहाँ पे हाथ रखा, ठीक है, इस चीज़ को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको मतलब सेट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ कर दिए, इसको भी यहाँ कर दिए, सब हाई कर दिए, ओके पे क्लिक कर दिए, पूरे बैकग्राउंड का कलर हमारा ऐसे हो गया थंबनेल का बैकग्राउंड, इस तरीके से सिर्फ एक कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ग्रेडियंट को सेलेक्ट करोगे, ये है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट पे क्लिक करोगे, फिर दोस्तों आप यहाँ पे प्लस वाले पे क्लिक करते हो, ये जो प्लस बना हुआ है यहाँ पे क्लिक करते हो, तो आप यहाँ से दो कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ग्रेडियंट का मतलब यही हुआ कि आप दो कलर को मर्ज कर सकते हो। देखो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, देखो एक ये है ऐसे बना हुआ है और एक ये ऐसे बना हुआ है, देख सकते हो अभी दो कलर है इसके अंदर। अब हम यहाँ से पहले अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, कैसे कलर सेलेक्ट करना, ध्यान से देखो ये है, तो यहाँ पर एक इसका एरो है और ये एक इसका एरो है,
तो जिस भी एरो को आप कलर चेंज करना चाहते हो पहले आप उस एरो को टच करो। तो हम पहले इस एरो को हम यहाँ पे टच करते हैं और फिर दोस्तों टच करने के बाद से ये जो बना हुआ कलर का इस पर क्लिक करिएगा और अपने हिसाब से दोस्तों आप जो कलर चाहते हो सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से ये वाला कलर जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ओके कर देते हैं। ये कलर देखो दोस्तों ऊपर का हमारा चेंज हो गया। ठीक, अब नीचे का चेंज करना है तो नीचे वाला एरो को हम सेलेक्ट करते हैं, ये वाला है एरो ये, ठीक है ना, इसको हम सेलेक्ट कर लिए। अब फिर कलर वाले पे क्लिक करेंगे और अपने हिसाब से जो कलर चाहते हो, लाइक हमको यहाँ पर ब्लू चाहिए तो हम थोड़ा सा यहाँ ब्लू वाला कलर को सिलेक्ट करके ये रेशियो पर रखते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा कुछ ऐसे बन गया। अब दोस्तों ओके दबा दोगे तो कुछ इस टाइप का ये दिख रहा है, ये हमारा बैकग्राउंड है। ठीक, चेंज करना चाहते हो तो आप फिर प्लस पे क्लिक करो, अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो, इसको यहाँ कर सकते हो, इसको यहाँ कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो हम कर दिए ओके कर दिए, कुछ इस टाइप से ये दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों हम इसी को अपना बैकग्राउंड मान लेते हैं और अब आगे हम बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे दोस्तों, आपने देखा होगा कि काफ़ी क्रिएटर क्या करते हैं, अपना जब फोटो लगाते हैं, अपना PNG लगाते हैं तो पीछे साइड में कुछ व्हाइट कलर का या रेड कलर का या ब्लैक कलर का कुछ ना कुछ वहाँ पर लेयर लगा देते हैं। वो कैसे आता है यार, वो इफेक्ट कैसे आता है? आप खुद बना सकते हो, उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, बट आप बना भी सकते हो दोस्तों। तो मैं आपको पहले बनाना सिखा देता हूँ, फिर दोस्तों उसके बाद हम इसको डाउनलोड करना भी सीख लेंगे। ठीक है, तो बनाने के लिए क्या करना होगा, ये जो प्लस लिखा है इस प्लस पर आप क्लिक करिएगा, यहाँ लिखा होगा शेप, इस शेप पर आप क्लिक करिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा आप बड़ा कर लीजिएगा, मान लीजिए इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर ये जो टिक लिखा है ना, ये टिक, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ये आपका बनकर आ गया। ठीक है, अब देखो आप इसका कलर भी चेंज वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों आप क्या करें, नीचे साइड में यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ इरेजर, ध्यान से देखिए कहाँ है इरेजर, यहाँ पर ये मिला इरेजर, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने में दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ये वाला, ठीक है, इस वाले में आप क्लिक करिएगा यहाँ पर। और फिर दोस्तों आप अपने हाथ से अपना फिंगर रखिए, अपने हिसाब से दोस्तों आप कुछ भी इस तरह कर सकते हो। ऐसे ऐसे करने के बाद से दोस्तों घुमा दीजिएगा पूरा, इसको पूरा ऐसे घुमाने के बाद दो ऑप्शन मिलता है दोस्तों यहाँ पर, देखो चाहे तो ये क्लिक कर दो, चाहे तो ये क्लिक कर दो, आपका ये बन जाएगा। तो मान लो कि हमने यहाँ पर ये वाला क्लिक कर दिया, देखो ऐसे बन गया, फिर यहाँ पर टिक पर क्लिक कर दीजिए, देख रहे हो दोस्तों ये हमारा बन कर आ गया इफेक्ट, कुछ इस तरह से इफेक्ट हमारा बन गया। काफ़ी क्रिएटर ऐसा करते हैं, आपने देखा भी होगा, इस तरीके से इसको थोड़ा हम बड़ा कर सकते हैं और इसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं इस तरीके से। अब दोस्तों इसमें शेडो डाल दोगे, अगर यहाँ पर नीचे आना, यहाँ पर लिखा हुआ शेडो, ये देख सकते हो यहाँ लिखा है शेडो, शेडो पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको इनेबल कर दीजिएगा, इनेबल करने के बाद से अगर आप ये ब्लैक कलर लोकर ये ब्लैक कलर पे सेलेक्ट कर दीजिएगा और फिर दोस्तों आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये एक्स और वाई इसका यूज करिएगा। देखिए एक्स ऐसे कर दोगे, थोड़ा सा अच्छा सा फील होता है, देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर दिख रहा है ना। तो इस तरीके से भी दोस्तों आप इसका यूज कर सकते हो ये वाले इफेक्ट का, या फिर अगर आपको और ज़्यादा इफेक्ट डालना है, मान लो कि टोन पेपर लगाना चाहते हो, टोन पेपर, तो आप दोस्तों इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप क्या करना, इमेज सर्च मैन जो था ना दोस्तों, आप इसको ओपन करिए, यहाँ पर लिखिएगा दोस्तों टोन पेपर। ठीक है, देखिए हमने सर्च कर रखा है टोन पेपर येलो कलर, आप अपने हिसाब से कुछ भी सर्च कर सकते हो, काफ़ी ढेर सारे दोस्तों आपको यहाँ पर पेपर मिल जाते हैं, आप जो चाहो उस पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। बस ध्यान देना दोस्तों कि इस पर कुछ लिखा ना रहे पहले, देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो इसको डाउनलोड मत करिएगा, जो बिल्कुल क्लियर हो उसको डाउनलोड करिएगा, जैसे ये सब है बिल्कुल क्लियर है दोस्तों इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, देख रहे हो इस पर कुछ भी नहीं लिखा है, इसको आप यहाँ से सेव कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे ये सेव हो जाएगा, हमने कुछ सेव कर रखा है, चलिए हम उसको हम पहले यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। बट दोस्तों अगर आपने कोई PNG वगैरह कुछ इमेज अगर डाउनलोड कर रखा है उसको अगर लेकर आना चाहते हो तो आप इस प्लस पे क्लिक करना। ठीक है, इस प्लस पे क्लिक करिएगा, फ्रॉम गैलरी है, इस पर आप क्लिक करिएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद से आपने जो भी फोटो डाउनलोड कर रखा है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, कुछ इस टाइप आपको ये शो करेगा, देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो दोस्तों कि आप यहाँ पर कुछ थंबनेल बनाना चाहते हो, यहाँ पर वो कैसे बनाओगे, ध्यान से देखना, इस प्लस पर क्लिक करना दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर लिखा हुआ शेप, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा छोटा कर देना, जैसे थंबनेल का शेप होता है छोटा कर देना, और नीचे दोस्तों यहाँ देख सकते हो रेडियस लिखा हुआ, रेडियस इसको आप थोड़ा जैसे आगे घुमाओगे देखो वो गोल सा हो रहा है ना, तो हल्का सा थंबनेल को कर्व कर देंगे हम ऐसे 19:18 पर रख देते हैं। ठीक है, 17:18 पर टिक कर लगा देंगे। ठीक है, तीन थंबनेल हम यहाँ पर लगाएंगे, तो ऐसे कर दिया हमने। और इसी को दोस्तों आप चाहो तो इसमें थोड़ा अभी भी शेडो डाल सकते हो, शेडो पर क्लिक करो, क्लिक कर दो, थोड़ा सा ये इनेबल कर दो, और ये एक्स वाई को थोड़ा दोस्तों हल्का हल्का आप मूव करा देना ऐसे करके, देख सकते हो कर दिया ना। अब इसको दोस्तों आपको करना क्या है, कॉपी करो, दो हो गए, एक और कॉपी कर दे, तीन हो गए यहाँ पे। ठीक है, हल्का हल्का इसको हल्का हल्का मूव करा देंगे, थोड़ा इसको ऐसे कर दूँ, इसको ऐसे कर दूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, देख रहे हो ये तीन थंबनेल हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसके ऊपर फोटो कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिएगा, इसको सेलेक्ट करिए, इधर जाइए, यहाँ लिखा होगा टेक्सचर, ये लिखा है टेक्सचर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ये, टेक्सचर पे क्लिक करिए, यहाँ क्लिक करिए, जो भी थंबनेल दोस्तों आपने बना रखा है पहले से, जैसे हमने यहाँ पे पिक्सल है वो यहाँ पे ओपन कर दे रहा हूँ मैं, पहले से हमने कुछ बना रखा है यहाँ पे तो उसी को सेलेक्ट कर लेना, जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्लिक कर दिए यहाँ पर, टिक लगा दिए, और देखो दोस्तों आप देख सकते हो टेक्सचर पर क्लिक करना, इनेबल कर देना, जैसे इनेबल करोगे दोस्तों ये पूरा फिल हो जाएगा इसके अंदर, देख सकते हो पूरा फिल हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बैक करके छोटा सा कर लेते हैं, इतने पे काफ़ी है ये। ठीक,
इसको दोस्तों चाहे तो थोड़ा सा और हम छोटा कर सकते हैं इसको, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, टेक्सचर पर जाएंगे, फिर वैसे ही करना है, टेक्सचर पर जाना है, क्लिक करना है, देते हैं ठीक है, क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर ये लग गया। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, टेक्सचर पर क्लिक करेंगे और ये सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक कर देते हैं और ये हमारा यहाँ पर लग गया। देख सकते हो दोस्तों हमने तीन थंबनेल यहाँ पर हमने बना दिए। ये इफेक्ट काफ़ी लोग को नहीं पता है, आप सीख गए ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों आपने जो भी अपना PNG बना रखा है उस फोटो को लेकर आते हैं गैलरी से। देखो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करिएगा, गैलरी में जाइएगा, जो भी दोस्तों आपने अपने फोटो का PNG बना रखा है, जैसे हमने भी बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है। ये PNG देखिए, इसका बैकग्राउंड नहीं है, इसको सेलेक्ट करिए, टिक लगाइए, देखिए दोस्तों ये यहाँ पर आ गया ठीक है। देख सकते हो ऐसे कुछ इस तरीके से, इसको और हम साइड कर लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा सा दिखे, इसको यहाँ कर लेते हैं ऐसे ठीक, और इसको थोड़ा सा हम और साइड कर देंगे इससे, और ये इफेक्ट डालेंगे दोस्तों। तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखो और सीखो। अब दोस्तों अगर आपको नहीं पता यार कि ये फोटो जो है हमने खिंचवाया था घर में खिंचवाया अपने ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया, सिंपल से बता देता हूँ। आप गूगल पे जाना, क्रोम ब्राउजर में जाना, वहाँ लिखना रिमूव बिजी ठीक है, वहाँ पर ये वेबसाइट आएगी, यहाँ पर क्लिक करिएगा। आपके दोस्तों जो भी आपने फोटो खिंचवा रखा है उस फोटो को आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, इस पर अपलोड कर दोगे ना तो आपका जो बैकग्राउंड है खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, चाहो तो HD में भी डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो नॉर्मल डाउनलोड कर सकते हो। HD में डाउनलोड करना है, क्लिक करिए, आपके पास कोई भी एक ईमेल आईडी हो यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। अगर एक ईमेल आईडी आप यहाँ पे लगा दोगे दोस्तों तो आपका जो एक फोटो जो है ना जो आप यहाँ पे अपलोड किए हो HD में डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करना फुल HD में ठीक है। तो फ्री में आप यहाँ पे PNG बना लोगे, हमने बना लिया। अब दोस्तों हम कुछ और भी यहाँ पे लिखना है, लेयर लगाना, लेयर कैसे लगाओगे ध्यान से देखो ठीक है। प्लस पे क्लिक करना, शेप पर क्लिक करना और एक और यहाँ पे हम एक शेप बनाएंगे, यहाँ पे देखो कैसे करना है, जहाँ पे हम लिखेंगे थंबनेल ठीक है ना, ऐसे कर दिया ठीक। इसको हम यहाँ रख देते हैं और इसका कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करेंगे दोस्तों आपको क्या करना है, क्लिक करना है, कलर पे चलेंगे, यहाँ लिखा है कलर, कलर पे सेलेक्ट करिए, इनेबल कर दीजिए और हम रेड ही रखेंगे ठीक। रेड सेलेक्ट हो गया, अब इसमें शेडो लगाएंगे, ध्यान से देखो थोड़ा आराम आराम से देखो ठीक है। इनेबल कर देंगे, शेडो हमारा इनेबल हो गया, ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिए ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से हम इसको हम कर सकते हैं एक्स और वाई में, अगर आप चाहो तो हल्का हल्का दिखेगा, देखिए ऐसे ठीक है। इसको पीछे ले जाना, तो कैसे ले जाओगे पीछे, यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करिएगा, क्लिक करके दोस्तों ये वाला जो इस फोटो इसके पीछे करना चाहते हैं हम, पूरा ये येलो वाले के पीछे एकदम नीचे लेकर आ जाइए, नीचे लेकर आ गए, अब देखो पीछे चला गया, ये देख सकते हो पीछे चला गया, कितना आसानी चला गया ना। अब दोस्तों अगर आप इसे कुछ लिखना है तो अभी लिखेंगे, बाद में एक और आपको इफेक्ट दिखा दूँ कैसे यहाँ पर हमने लगा रखा है अपने थंबनेल पे। तो उसको करना क्या दोस्तों, आप चाहो तो अगर आपसे ये बार बार अगर ये सिलेक्ट हो रहे ना तो आप इसको लॉक भी कर सकते हो। लॉक करने का सिस्टम क्या है, यहाँ पे क्लिक करिएगा, इन सबको आप लॉक कर सकते हो, देखो ये लॉक हो गया। अब क्या होगा दोस्तों, ये सब मूव नहीं करेंगे, आप जितना चाहो उतना अपना फिंगर से ये ऐसे ये टच कराओ, ये मूव नहीं करेंगे ठीक है, मूव नहीं कर रहा है, सब सेट हो गया। अब यहाँ प्लस पर क्लिक करते हैं, फिर शेप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों हम ये वाला शेप लेंगे, देखो यहाँ पर क्लिक करना है ना तो ये वाला शेप आ जाएगा यहाँ पर, आपको ये वाला क्लिक कर दो, कुछ इस टाइप से ये बन गया ठीक है। हम इसको यहाँ पे रखेंगे, अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने ये रखा है ना, बट हमें दो चाहिए और एक का मुँह इधर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसका कॉपी कर देंगे, यहाँ लिखा हुआ है कॉपी, क्लिक करो देखो आ गया ठीक है। अब क्रॉप लिखा है, क्रॉप पे क्लिक करो और इसको मूव करा दो, यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये मूव कर गया, इधर मूव हो गया, टिक लगा दो। अब इसको यार कैसे कैसे सेट कराओगे, सेट हो नहीं पा रहा तो क्या करना, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा ये वाला रिलेटिव पोजिशन, ध्यान से देखो ये भी सीख लो यार, बहुत आसानी है ठीक है ना, सीख लीजिए। रिलेटिव पोजिशन पर क्लिक करो, ये वाला जो कर्सर है ना इसको सेलेक्ट करते रहना, सेलेक्ट कर दिए यहाँ आ गया ठीक है। अब इसको क्लिक करो, रिलेटिव पोजीशन पे जाओ, अब इसको भी क्लिक करो, देखो दोनों सेम हो गए, दोनों एक आसपास आ गए, देखो एक ऊपर एक आ गया ठीक है ना। अब दोनों आ गए ना तो आप क्या करना, यहाँ पे क्लिक करो और इन दोनों को मर्ज कर दो, दोनों इसको इसको आप जोड़ना चाहते हो, कैसे जोड़ोगे कैसे मर्ज करोगे, आप यहाँ पे क्लिक करना यहाँ पे ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऑप्शन आएगा, इन दोनों को जोड़ना चाहते हो तो क्या करो, इन दोनों पे सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लिए, नीचे जो लिखा है मर्ज, मर्ज कर दो, यहाँ पे टिक लगा दो ठीक है, आर यू श्योर, हो गया। अब ये दोनों एक हो जाएंगे, दोनों फोटो एक हो गए, अब देखो ध्यान से, अब ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, देख रहे हो। तो इस तरीके से आप इसको मर्ज कर सकते हो, छोटा कर सकते हो अपने हिसाब से, यहाँ कहीं भी रख सकते हो। अब दोस्तों ये जो थंबनेल है ना, पीछे जो थंबनेल बना हुआ है, इसको ना जैसे मान लो कि ऐसा दिखे कि लटका हुआ है ऊपर से कुछ इससे रस्सी से बंधी हुई है, वो कैसे बनाओगे ध्यान से देखो दोस्तों। यहाँ पे आप क्लिक करना प्लस वाले पे, सब प्लस से ही करना है, प्लस पे क्लिक करो, यहाँ लिखा होगा ड्रॉ ठीक है ना, ड्रॉ पे क्लिक करो। अब दोस्तों किस कलर का लटकाना चाहते हो, तो मैं व्हाइट कलर से चाहता हूँ, तो व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे, व्हाइट है नहीं तो प्लस पे क्लिक करिए और व्हाइट कलर यहाँ पे आ गया, देख सकते हो ये व्हाइट आ गया, इधर व्हाइट है, व्हाइट है ठीक है, सब सेलेक्ट कर दिए, ओके कर दो ठीक है, ओके कर दिए यहाँ पे। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ पे आप कहीं जो पेन का साइज़ है आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हो, तो 20x22 रख लेता हूँ मैं ठीक है, और इसको ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से, देख सकते हो वैसे ड्रॉ किया ऐसे, फिर टिक कर दीजिए, ड्रॉ होने के बाद इसको छोटा करिए और ला कर यहाँ पर दोस्तों आप लगा सकते हैं इसको कुछ इस टाइप से ठीक है। देखिए थोड़ा बड़ा हो जा रहा है ऐसे, छोटा करके नीचे जाइए, यहाँ पे पोजीशन लिखा होगा, देखिए पोजीशन लिखा है, इसको नीचे लेकर आ जाइए, अपने हिसाब से इसको मूव करा सकते हैं,
देखिए मूव करा रहे हैं, नीचे लेकर आते हैं, थोड़ा सा ये साइज़ कम कर देंगे तो अब कम मूव करेगा। ठीक हो गया। अब इसको दोस्तों आप चाहते हो तीनों पे लगाना तो कॉपी कर दो, कॉपी कर दिए, एक और आ गया। ठीक है, इसको भी मूव करा लो, पोजीशन पे जाओ, ज़्यादा मूव कराना ऐसे कर लो, देखो ऐसे मूव होने लगेगा। ठीक है, देख सकते हो दोस्तों इस तरीके से मूव हो रहा है ये, और पूरा फुल कर लो और जल्दी मूव होगा। ऐसे यहाँ पर गया, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, इसको देखो देखो यहाँ ज़्यादा मूव हो रहा है, थोड़ा सा कम करो, ऊपर ले जाओ, थोड़ा सा इसको और नीचे लेके आना, पोजीशन पे जाओ, कम करो, थोड़ा नीचे लेके आ जाओ, बस। अब दोस्तों अब क्या करना है, इन तीनों को पीछे करना है थंबनेल के पीछे, तो यहाँ पर सेलेक्ट करो, इन तीनों को थंबनेल के पीछे लेके आओ, ये तीनों थंबनेल है, इसको पीछे लेके आओ, पीछे लाओ, और इन तीनों को भी पीछे ला दिए इसके। फिर दोस्तों आप देख सकते हो कि जो तीनों है ना, ये तीनों इसके थंबनेल के पीछे चले गए। ठीक है, आप चाहो तो इसको अलग अलग बार भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इतना तो हो गया ना। अब दोस्तों आपको एक और इफेक्ट दिखाता हूँ जो हमने डाउनलोड कर रखा है, आप इस प्लस पे क्लिक करना। ठीक है, और जो भी आपने डाउनलोड कर रखा है ना, इमेज सर्च मैन जो ऐप बताया था उससे आप डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी ढेर सारे इफेक्ट आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम गैलरी में जाता हूँ, यहाँ पर हमने डाउनलोड कर रखा, मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़, ये वाला जो PNG है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं, कुछ इस तरह का बनकर आएगा। ठीक है, अब इसको दोस्तों क्या करेंगे, इसको साइज़ थोड़ा छोटा करेंगे और यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि हमने इसी तरह बना रखा है इसको, तो थोड़ा और साइज़ छोटा करेंगे, थोड़ा अच्छा दिखेगा। यहाँ पर इसको हम कुछ इस तरह लगाएंगे, इसका कलर अगर चेंज करना होगा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा होगा कलर, ये लिखा है कलर, सेलेक्ट करिए, इनेबल कर दीजिए, जिस कलर का चाहते हो, वाइट चाहते हो तो वाइट पे क्लिक कर दीजिए, हो गया हमारा वाइट। ठीक है, इसका कॉपी कर देंगे दोस्तों, तो कॉपी कर लीजिए, इधर जाइए, यहाँ पर लिखा है कॉपी, एक और आ गया, इसका मुँह इधर करना है तो क्रॉप वाले पर जाइए, इसको फ्लिप कर दीजिए, यहाँ फ्लिप लिखा हुआ दोस्तों, ध्यान से देख लो, ये फ्लिप, यहाँ सेलेक्ट करना, इधर हो गया। अब इसको ला के यहाँ पर आप सेट कर सकते हो इस तरीके से, देख लो हो गया। अब दोस्तों कुछ और भी यहाँ पर मैंने इफेक्ट लगा रखा है, पहले वो इफेक्ट लगा देते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे भी, अब हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखना है, किस फॉन्ट में, सब बताएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो दोस्तों कि हम इसको जूम करना चाहते हैं, तो जूम करने के दोस्तों यहाँ पर ये जो लिखा है ना, ये प्लस क्लिक करके आप इसको जूम कर सकते हो, इस तरीके से अपने हिसाब से जूम कर लो। ठीक है, जूम करने के बाद दोस्तों जहाँ चाहते हो उसको वहाँ इसको रोक सकते हो, हम यहाँ पर इसको मान लो इसको रोक देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इस प्लस पर जाओ, ड्रॉ लिखा होगा, ठीक है, ड्रॉ पर क्लिक करो, और वो भी कलर दोस्तों आप चाहते हो सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ काफ़ी ढेर सारा कलर है, हम यहाँ पे ब्लैक वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, पेंसिल का जो साइज है वो थोड़ा हम छोटा कर लेंगे, यहाँ पे इतने पर रख लेते हैं। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, अपने हिसाब से आप चाहो ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे, और फिर दोस्तों यहाँ पे हम टिक वाले पर क्लिक कर देंगे, और इसको अपने हिसाब से हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो हम इसको यहाँ ला कर रख देते हैं, और थोड़ा छोटा करके इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस टाइप से इसको यहाँ पर रख देते हैं। ठीक, अब दोस्तों इसको भी हम लॉक कर देते हैं, यहाँ पर जाएंगे इसको हम लॉक कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ लगाना चाहता हूँ मैं, मतलब YouTube का लोगो, तो प्लस पे क्लिक करो, गैलरी में जाओ, जहाँ भी आपने YouTube का लोगो आपने डाउनलोड कर रखा है, जैसे हमने यहाँ पर कर रखा है, तो आप उसको सेलेक्ट कर लो, तो यहाँ पर जो मेरा YouTube का लोगो है इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए और अंदर लेकर आ गए। ठीक है, अब इसका साइज़ हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं, पकड़ कर इसे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे छोटा कर लीजिएगा, और ला कर इसको यहाँ पर आप रख सकते हो कुछ इस टाइप से, कॉपी कर दीजिए थोड़ा, इसको आप चाहो थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, साइज़ भी इस तरीके से घुमा दो थोड़ा, इसको भी हल्का सा घुमा दो, हल्का सा अच्छा लगेगा। ठीक है, और फिर इसे कॉपी करके एक और यहाँ भी लगा सकते हो, इसको थोड़ा इधर से घुमा दो इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आप क्या करोगे, सब कुछ हो जाने के बाद से इस यहाँ पे क्लिक करो और साइज इसका छोटा कर दो, मतलब इस तरीके से कर दो। ठीक है, तो ये था दोस्तों जो हमने अभी इसमें इफेक्ट लगाया। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर कुछ लिखते भी हैं, लिखना कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पर मान लो कि हमें कुछ लिखना है, तो लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस पर क्लिक करिए, टेक्स्ट वाले पे देख सकते हो यहाँ पे एक टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब जो भी आपको लिखना है एडिट वाले पे क्लिक करिए और आप लिख दीजिए, जैसे मुझे लिखना है यहाँ पे मोबाइल से, ठीक है, हिंदी लिखना है तो हिंदी फॉन्ट है हमारे में, लिखना है मोबाइल से, ठीक है, लिख दिया, ओके कर दिया, यहाँ पर ये आगे लिखा हुआ। ठीक है, अब ये इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ पर लिखा होगा कलर, ध्यान से देखिए कलर, जो चाहते हो कलर ले लो, हम यहाँ पर ब्लैक कलर ले लेते हैं, ब्लैक कलर यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब फॉन्ट चेंज करना है, तो फॉन्ट चेंज करने के लिए दोस्तों आप क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना, लिखा होगा यहाँ पर फॉन्ट, ये वाला फॉन्ट दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा, फॉन्ट पे क्लिक करिए, माय फॉन्ट में एक फॉन्ट है मेरे पास यहाँ पे, खंड करके क्लिक करिए, ओके कर दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया मोबाइल से। ठीक है, अब दोस्तों हमें लिखना है थंबनेल, तो फिर यहाँ पे ए वाला है, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एडिट पे जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर थंबनेल इंग्लिश में। ठीक है, ओके पे क्लिक करिए और इसको वाइट ही रखेंगे। अब दोस्तों बस हम इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर है फॉन्ट, फॉन्ट पे क्लिक करिए और माय फॉन्ट में जो फॉन्ट आप डाउनलोड किए रहोगे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको अपने हिसाब से यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखो अगर छोटा पड़ेगा तो आप इसको सेलेक्ट करके, इस रेड वाले को सेलेक्ट करके इसको आप चौड़ा भी कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करो, रेड वाला लॉक कर रखा हूँ, ये वाला एरो है, इसको मैंने लॉक कर दिया था, ये वाला, अब ये हट गया लॉकर, अब इसको थोड़ा सा हम साइज़ इसका बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो थोड़ा बड़ा मोटा कर दिया, अब यहाँ पर इसको हम रख सकते हैं थंबनेल से लिखा हुआ,
देख सकते हो, ठीक है। मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाए लिखना है, तो उसके लिए दोस्तों मैंने एक यहाँ पर PNG डाउनलोड कर रखा है। इस PNG का भी सारा, इसके अंदर जितना भी ना सारे PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक इफेक्ट जो है डाउनलोड कर रखा है, ब्रश तरह का है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत ढेर सारे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सारा मैं आपको दे दूंगा, आप यहाँ से ले लीजिएगा फ्री में, ठीक है। क्लिक कर लेता हूँ इसको, और इसको दोस्तों हम यहाँ पर लेकर आते हैं और इसको थंबनेल के नीचे रख देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसको खींच देंगे। अब यहाँ लिख देंगे कैसे बनाए, अब कैसे बनाए लिखना है दोस्तों, इसी फॉन्ट में लिखना है, तो आप इसको सेलेक्ट करिए, कॉपी कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए, ये लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करेंगे और अपने हिसाब से जो लिखना है आप लिख सकते हो, अब आपको फॉन्ट सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए कैसे बनाए, ओके, देख सकते हो दोस्तों कुछ ऐसे लिखा हुआ आ गया, ये मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाए, ठीक है। इस तरीके से जैसे ये मान लो जो आपने लेकर आया बैकग्राउंड में जो है, इस पर भी आप शैडो दे देना और खूबसूरत लगेगा, शैडो पे जाके ऑन कर देना, बस थोड़ा सा लगेगा पीछे पीछे ब्लैक शैडो दिखेगा तो और अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव सा लगेगा। इसका लॉक हटाऊँ, ये जो है ना इसके पीछे शैडो दे दूँ, कुछ इस तरह का शैडो दे दिया ना। अब इसको आप थोड़ा सा मूव भी करा सकते हो शैडो को, आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से, चाहो देख लेना अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको थंबनेल बनाना है, अगर आप इस तरीके से थंबनेल बना रहे हो तो आपके वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ मिल सकते हैं। कितना इजी वे में आसानी से आपको समझा दिया थंबनेल किस तरीके से बनाना है। तो दोस्तों अभी हमने थंबनेल तो बना लिया, अब चलते हैं इसको सेव करने के लिए, किस तरीके से इसको सेव करेंगे, सेव करना भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करना, ये जो बनाया ना यहाँ पर क्लिक करना, तो यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन आएगा सेव एज इमेज, आप यहीं पर क्लिक कर देना। अब दोस्तों लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि जो लिखा है कस्टम, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ क्वालिटी आता है, हाईएस्ट क्वालिटी क्या है यहाँ पे, वो है अल्ट्रा, देख सकते हो अल्ट्रा, तो अल्ट्रा आप सेलेक्ट मत करना, मतलब अल्ट्रा पे आप कर सकते हो, हाई क्वालिटी में सेव हो जाता है, लेकिन मैं जो आपको क्वालिटी बताऊंगा ना सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी रहेगा, दिखाता हूँ कैसे। इसको हटाओ, ये जो लिखा है ना, ये जो नंबर है इस नंबर को चेंज करो, यहाँ पर दोस्तों आप लिख देना 7680 और यहाँ लिखना 4320, हाईएस्ट क्वालिटी, डिजिटल बोर्ड पर भी अगर आपका थंबनेल गया ना तो फटेगा नहीं, हाईएस्ट क्वालिटी। और फिर यहाँ पे दोस्तों लिखा है जो सेव टू गैलरी, बस इस पर क्लिक कर दो, अल्ट्रा से भी ज़्यादा क्वालिटी में ये सेव हो जाएगा। और फिर इस पिक को आप जूम करके देखना, जो आप पहले सेव कर रहे थे अल्ट्रा में ना, उससे ज़्यादा क्वालिटी इसकी रहेगी और काफ़ी ज़्यादा ही जूम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे थोड़ा सेव कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगता है रेंडर होने में। फिर इस थंबनेल को लेकर दोस्तों आप अपने वीडियो पर लगा सकते हो और आपका वीडियो पे जो थंबनेल लगेगा ना वो फटेगा नहीं। तो ये था दोस्तों पूरा तरीका, मैंने आपको सिखा दिया कि आप थंबनेल किस तरीके से बना सकते हो अट्रैक्टिव, इस तरह थंबनेल बना के देखो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको व्यूज़ मिलेगा। तो कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखाया है, अगर आप सीख गए हो तो वीडियो को लाइक करो यार, वीडियो को लाइक कर दो, बिल्कुल नए यूट्यूबर हो तो यहाँ एक वीडियो दिख रहा होगा, क्लिक करो जाकर देखो, बहुत कुछ आप सीख जाओगे यार यूट्यूब के बारे में, कैसे यूट्यूब से आपको पैसे कमाना है ना, सब कुछ यहाँ पर सिखा रखा हूँ, क्लिक करो जाकर देखो। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी इस तरह का कोई वीडियो अपलोड करो भाई सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप इस वीडियो को देख सको।